आज बनाएंगे सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी ऐसा ब्रेकफास्ट जिसे खाकर आपका पेट भरेगा मगर मन नहीं। जब आप इसे एक बार खाओगे तो कचौड़ी समोसा सब खाना भूल जाओगे। और ये बनने में फटाफट से बन जाता है, साथ में हेल्दी है और टेस्टी है। नमस्ते दोस्तों, मेरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पालक को अच्छे से धो लिया है और उसको बारीक कट कर लिया है। अभी इसके अंदर में 1.5 कप के जितना ज्वारी का आटा डालेंगे। इसके अंदर में डालेंगे तिल, 2 चम्मच के जितना तिल डाला है, 1/2 छोटा चम्मच के जितना हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, साथ में धनिया जीरा पाउडर 1/2 चम्मच डाला है। अभी इसके अंदर में डालेंगे 1 चम्मच के जितना अजवाइन। अजवाइन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, तो हमें अजवाइन को भी हमें हमारी डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए। यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ में थोड़ा सा लहसुन और बारीक कटा हुआ हरा मिर्ची डाल दिया है। और सब चीज़ों को हाथ की सहायता से सबसे पहले मिक्स कर लेंगे। हमें सूखा ही पहले मिक्स करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि हमारा मसाला और आटा वगैरह सब मिक्स हो जाए। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ न कुछ ज़रूर कर देना। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा पानी डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मस लेंगे क्योंकि पालक गीला रहता है और पालक में से भी थोड़ा पानी छूटता है। और थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, फिर हमें आटे को गूँथना है। यहाँ पर मैंने पालक वड़ी बनाने के लिए ज्वारी का आटा लिया है। अगर आपके पास में ज्वारी का आटा नहीं है तो आप इसमें मकाई का आटा या बेसन या बाजरे का आटा भी डाल सकते हो, ये टेस्ट में इतनी ही अच्छी बनेगी। और साथ में थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मसलना है। जैसे हम गेहूं का आटा लगाते हैं उसी तरीके का हमें इसका आटा लगाना है। जैसे रोटी बनाते हैं ना, कैसा आटा बनाते हैं वैसा ही आटा हमें बनाना है। बस इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से मस लेंगे तो ये अच्छे से मसल जाएगा और जो हमारी पालक मसाला और आटा सब एक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ न कुछ ज़रूर कर देना। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। अभी इसका हम एक गोल ऐसा लंबा पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से हमें इसको गोल बनाना है ताकि ये अच्छे से एक अच्छा शेप में बनेगा और ये जब बन के तैयार होगा ना तो ये बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब लगेगा और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने धीरे धीरे करके इसको एक शेप दे दिया है। बस इसको राउंड राउंड घुमाएंगे तो इस तरीके का शेप बन जाएगा। अभी एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर में थोड़ा सा घी लगा देंगे, आप ऑयल भी लगा सकते हो। इसको थोड़ा ग्रीस करेंगे और हमारा बना हुआ जो पेड़ा था उसको इस तरीके से बीच में रख देंगे और इसको हल्का हल्का दबाएंगे ताकि इसका एक अच्छा सा शेप बनेगा। तो हमने इसको बस थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि इसका इस तरीके से ये दिख रहा है। तो हमारा यहाँ पे पेड़ा बन के तैयार हो गया है और हम अभी इसको स्टीम करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारा पेड़ा अच्छे से बन गया है। अभी मैंने लिया है इडली वाला बर्तन, उसके अंदर में डाल देंगे 1 ग्लास के जितना पानी डालेंगे और हमारा प्लेट इसके अंदर में रख देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हमें स्टीम करना है। 10 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आने लगेगी। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो वड़ी है वो अच्छे से पक गया है। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं, आप कोई भी चाकू या कुछ लकड़ी वगैरह से भी चेक कर सकते हो। अगर इसके ऊपर में नहीं चिपका है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा वड़ी अच्छे से स्टीम हो गया है। इसको ठंडा कर लेंगे, ये अच्छे से ठंडा हो गया है, ये देखिए, और इसका शेप भी अच्छा आया है। अभी इसको हम कट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ, ये देखिए, बस 1/2 इंच से भी कम वाले अंतर में इसको कट करेंगे। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और सारी ही वड़ी को हमें इस तरीके से कट कर लेना है
और ये वाली वड़ी को मैं फ्राई करने वाली हूँ। चाहे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, ये इतनी ही टेस्टी है, साथ में हेल्दी भी है। तो हमने सारी ही वड़ी ऐसे ही कट कर देनी है। ये देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, ये परफेक्ट पकी है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। जब ये बनती है ना तो आपके आस पड़ोस में भी पता चल जाएगा कि आज आपके घर पे कुछ नया नाश्ता बन रहा है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो हमने वड़ी को तो कट कर लिया है। तो दोस्तों आप ये वाली वड़ी को ब्रेकफास्ट या लंच में भी खा सकते हो, और आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे तो 15 दिन तक आप रख सकते हो। फिर जब आपको खाना है तब आप फ्राई कर सकते हो या इसे तड़का लगा के खा सकते हो। तो मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अभी हम वड़ी को फ्राई कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छा गर्म है, एक एक करके इसमें वड़ी डालते जाएंगे। धीरे से हमें इसमें डाल देना है और उसको उलट पुलट करके अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट में तो ये फ्राई हो जाएगी। दोस्तों मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी वड़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, कुछ ना कुछ ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे हमें इसको बीच में बार बार थोड़ा सा पलट लेना है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी सीख जाए। अगर आप ऑयल अवॉइड करते हो तो आप इसमें खाली तड़का लगा के भी खा सकते हो। तो यहाँ पे इसमें से ऑयल में से झाग जब कम हो जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी वड़ी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसको अभी हम बाहर निकाल लेंगे और सारी ही वड़ी को हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई है, इसका कलर भी अच्छा आया है। इसको टिश्यू पेपर के ऊपर में रख देंगे। अभी दूसरे बैच का भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। दोस्तों क्या आपने कभी ये वाला वड़ी बनाया है? वैसे कई लोग अरबी के पत्तों से बनाते हैं, मगर आप एक बार पालक के पत्तों से ट्राई करना। कई बार क्या होता है ना, जब हम अरबी के पत्तों से वड़ी बनाते हैं तो हमारे गले में थोड़ी खराश हो जाती है या खुजली आने लगती है, और हम पालक के पत्तों के बनाते हैं तो हमें खुजली खराश की कुछ टेंशन ही नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमारा सारा ही वड़ी बन के तैयार हो गया है। मैंने इसको चाय के साथ में सर्व किया है। ज़्यादातर ये वाली वड़ी महाराष्ट्र में बनती है और ये महाराष्ट्र की बहुत ही पॉपुलर डिश है, और महाराष्ट्र में इसको कोथंबीर वड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर लोग इसे कोथंबीर डालकर बनाते हैं, मैंने यहाँ पर इसको पालक डाल के बनाया है। तो हमारी पालक वड़ी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए ये दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, और खाने में तो एकदम है लाजवाब है और एकदम क्रंची बनी हुई है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा ना, पालक वड़ी बनाना कितना आसान है। मेरे तरीके से एक बार वड़ी बनाकर जरूर खाना, फिर मुझे कमेंट करके बताना मेरी पालक वड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। मेरी चैनल पर पहली बार है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी जो भी वीडियो है, मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों पालक वड़ी की रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। क्या पता आप किसी के घर पे मेहमान बन के जाओ और आपको यही वाला पालक वड़ी खाने को मिले, तो इसे शेयर अवश्य कर देना। साथ में मेरी पालक वड़ी पसंद आई है तो कमेंट करके अवश्य बताना। दोस्तों पालक वड़ी बनाने के लिए कितने इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, कितनी पालक थी, सारी ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके आप देख लेना कि पालक वड़ी बनाने के लिए कितना सामान लगेगा। आप सभी ने मेरी वीडियो पूरी देखी तो आप सबको थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पालक वड़ी खाओ और इंजॉय करो। बाय।